फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी बात बताना चाहेंगे जो किसी दूसरे मीडिया चैनल पर आपको नहीं मिल पाएगी। इस जानकारी में हम आपको ट्रैवल और एयरलाइन से जुड़ी खबरें बताने वाले हैं, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में जो अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइटें वो 60% कैपेसिटी पर अपना काम शुरू कर चुकी हैं। ये 60% कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इस समय भारत से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर की तादाद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको एक अच्छी खबर बता दें कि इस समय भारत से 1000 से भी ज़्यादा उड़ानें जो वो एक दिन में ऑपरेट हो रही हैं। इसमें 1,20,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर जो रोज़ की बुनियाद पर ट्रैवल्स कर रहे हैं। पैसेंजर्स की इतनी बड़ी तादाद को देखकर सिविल एविएशन मिनिस्टर के अलावा पूरी दुनिया हैरान है। इस समय भारत में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं कि भारत में कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं। अगर कोरोना की बात करें तो इस समय भारत जो है दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंचने की तैयारी में है। रोज़ाना की बेसिस पर नए केसेस के रिकॉर्ड जो है वो तोड़ते जा रहा है। लेकिन इन सब के अलावा हम लोग कहाँ रुकने वाले हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो या डोमेस्टिक, भारत रोज़ाना की बुनियाद पर लोग ट्रैवल करने को बैठे हुए हैं। बस इंतज़ार है तो भारत सरकार का कि कब बड़े लेवल पर इंटरनेशनल फ्लाइटों को खोलने की परमिशन दे दे। जैसा कि दुनिया के सभी ममालिक में जो इंटरनेशनल फ्लाइटों को खोलने की परमिशन तकरीबन मिल रही है, भारत यहाँ पर क्यों पीछे बैठा हुआ है? भारत को चाहिए कि दुनिया के साथ साथ यहाँ पर भी अपने इंटरनेशनल फ्लाइटों को जब वो शुरू कर जाए। दोस्तों, अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग दूसरे देश में जाना चाहते हैं वो दूसरे देश में जा सकें, और जो दूसरे देश में फंसे हुए हैं अगर वो भारत में आना चाहें तो वो आराम से जो है वो भारत में आ सकें और दिवाली मना सकें। फ्रेंड्स, आपको पता है अगर हमारे देश की मीडिया जो ये सभी फ्लाइट जो खबरें हैं वो मीडिया पर डालना शुरू कर दे तो जल्दी ही इंटरनेशनल फ़्लाइटों को शुरू किया जा सकता है। हमारे देश की मीडिया के पास दोस्तों इन सारी खबरों के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड, आपको बताते चलें, धीरे धीरे लोगों के जहन से जो है वो कोरोना का डर ख़त्म होता जा रहा है और देश में जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइटों को बहुत जल्द शुरू किया जा सकता है। साथ में साथ भारत में जो है डोमेस्टिक फ़्लाइटों को भी 100% कैपेसिटी पर उड़ने की परमिशन मिल सकती है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। आपके लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।